हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ 1995 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है द बास्केटबॉल डायरीज और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जिम होता है, जहाँ पर उसका टीचर उसे घुटनों में बिठाकर एक लकड़ी से मार रहा होता है। तभी जिम टीचर से कहता है कि आपको तो मारना भी नहीं आता, अभी तो मैंने एंजॉय करना शुरू किया था। जिस बात पर उसका टीचर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो इसे कल भी शुरू कर सकते हैं। दरअसल जिम को इस मार से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जिम अपने तीन दोस्तों के साथ क्लास से बाहर निकल जाता है, जो कि जिम के बेस्ट फ्रेंड है और इनका नाम पेड्रो, मिकी और न्यूट्रॉन होता है। ये सबके साथ स्मोकिंग भी करते हैं और कुछ भी करने से पहले ये लोग सोचते समझते नहीं है। लेकिन जिम के अंदर एक खास बात होती है, जो कि वो बास्केटबॉल बहुत अच्छे से खेलता है। इनके स्कूल के टीम और दूसरे स्कूल के टीम से बास्केटबॉल का मैच होता है, जहां पर जिम बहुत अच्छे से परफॉर्म भी करता है और वो जीत भी जाते हैं। जब मैच चल रहा होता है, तभी जिम का दोस्त पेड्रो वो लॉकर रूम में जाकर दूसरी टीम के सभी प्लेयरों के पैसे, घड़ियां, सब कुछ कीमती चीजें चुरा लेता है। अब यहां पर जब ये लोग एक रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे होते हैं तो वो प्लेयर्स उनके सामने आ जाते हैं जिनके पैसे और सामान चोरी हुए थे। अब ये सभी लोग जिम और उसके दोस्तों से पैसे मांगते हैं। जिम उसको कहता है कि हमने तुम्हारे कोई पैसे नहीं चुराए हैं। इसी बातचीत में इन लोगों के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। जिम और उसके दोस्त उन लोगों को मारकर वहां से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम हॉस्पिटल में अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ होता है, जिसका नाम बॉबी होता है। जब जिम 3 साल का था, तब से वो बॉबी को जानता है। बॉबी भी उनके टीम का सबसे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर था, लेकिन 2 साल पहले उसे पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। लेकिन जिम को पूरा विश्वास है कि वो उसे फाइट करके बाहर निकल जाएगा और जिम दिल से ऐसा चाहता भी है, क्योंकि बॉबी जिम का सबसे अच्छा दोस्त है। हम देखते हैं कि जिम बॉबी को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है और ये दोनों बाहर बहुत एंजॉय करते हैं। फिर जिम बॉबी को वापस हॉस्पिटल ले जाता है और वो वहां से निकल जाता है। जिम पूरा वक्त अपने तीन दोस्तों के साथ गुजरता है। ये हमेशा मस्ती करते हैं, यहाँ तक कि ये एक प्रोस्टिट्यूट के पास भी जाते हैं। जिम के जिंदगी में बास्केटबॉल के अलावा एक और चीज भी होती है और वो होती है उसकी राइटिंग। जब भी उसे वक्त मिलता है या उसके दिमाग में कोई थॉट आता है तो वो उसे अपने नोटबुक में लिख लेता है। अब जिम का दोस्त बॉबी इस दुनिया को छोड़कर यहाँ से चला जाता है और जब जिम बॉबी को देखने के लिए जाता है तो वो पूरी तरह से स्केलेटन की तरह हो चुका होता है। हालांकि उसकी उम्र 16 साल की है, लेकिन इस वक्त वो 60 साल की तरह लग रहा होता है। इस बात से जिम पूरी तरह से परेशान हो जाता है और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब वो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखकर वापस आ रहा होता है तो उसे ये भी याद नहीं होता है कि उस फिल्म का सीन स्टोरी क्या थी। हालांकि जिम के तीन दोस्तों को बॉबी के मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा होता, लेकिन जिम अंदर से बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो एक बेसमेंट में जाता है जहां पर लोग ड्रग्स ले रहे होते हैं। हालांकि जिम को इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी में पहली बार ड्रग्स का नशा कर रहा होता है और उस नशे को करने के बाद उसका दर्द सब कुछ दूर हो जाता है। अब अगले दिन इसकी मॉम जब इसकी हालत देखती है तो उन्हें बहुत दुख होता है और वो जिम को समझाने की कोशिश करती है, पर जिम उनकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि मॉम आप कुछ भी नहीं जानती। और ऐसे ही करते करते जिम और उसके दोस्त ड्रग्स के बहुत करीब आ चुके थे। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इनके पास ड्रग्स खरीदने के पैसे भी नहीं होती और इनको किसी भी कीमत पर नशा चाहिए थी। इसीलिए एक बुजुर्ग औरत जो कि रात के वक्त रास्ते पे चल रही होती है, ये चारों लोग उस औरत का पर्स छीनकर भाग जाते हैं। यहाँ तक भी जिम का दोस्त उस औरत को मारता भी है। अगले दिन स्कूल में जब ये लोग चर्च पर जाते हैं तो इन्हें फादर अंदर आने के लिए कहते हैं, पर जिम अंदर जाने से मना करता है और कहता है कि आज मैं अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन फादर के कहने पर जिम अंदर चला जाता है और जिम को कन्फेशन रूम में बिठाया गया था। दरअसल ये ऐसा कमरा होता है जहाँ पर इंसान के दिल में जो भी बात है वो फादर से कह सकता है और फादर उस चीज को किसी को भी शेयर नहीं करता। अब जिम अपने दिल की बात फादर को बताना चाहता है, यानी कि ड्रग्स के बारे में, पर वो नहीं बता पाता। जिम चाहता तो है इस नशे को छोड़ दे, लेकिन वो हर बार यही सोचता है कि आज वो नशा आखिरी बार करेगा, लेकिन वो आखिरी बार कभी भी नहीं आता, क्योंकि किसी भी नशे को इंसान तो छोड़ना चाहता है लेकिन वो नशा इंसान
जान को कभी भी नहीं छोड़ना चाहता। अब एक बार फिर से जिम अपने स्कूल के वॉशरूम में नशा कर रहा होता है, तभी वहाँ पर उसका कोच उसको देख लेता है। जिम कोच को देखते ही अपनी टेबलेट्स को छुपा देता है, पर जिम नशे में होने के कारण उसका कोच उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और उसे पैसे भी देता है, पर जिम पैसे को नहीं लेता। जब जिम को होश आता है तो वो कोच को धक्का दे देता है और उसके कोच के नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। उसका कोच कहता है कि पैसे ले लो, लेकिन ये बात किसी को भी मत बताना। जिम उसका पैसा ले लेता है और उसे कहता है कि दोबारा से मेरे सामने कभी मत आना और ऐसी बातें कभी मत करना। फिर उसका कोच वहाँ से चला जाता है। हालांकि कोच को ये पता होता है कि ये ड्रग्स लेता है। एक दिन उनका बास्केटबॉल मैच होता है, जिसमें मैच शुरू होने से पहले जिम और उसका साथी नशा कर लेते हैं और इस नशे के कारण ये लोग मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। यहाँ तक कि ये लोग इस मैच में यहाँ से वहाँ गिरने लगते हैं। अब तक यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को ये पता चल चुका था कि इन लोगों ने नशा कर रखा है, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस और फादर आ जाते हैं और पुलिस को शक हो जाता है कि इन्होंने ड्रग्स ले लिया है, जिसके बाद पुलिस इनके ड्रेसिंग रूम में तलाशी ले लेते हैं, पर वहाँ पर इनको कुछ भी नहीं मिलता। अब फादर इन्हें एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देते हैं और इनका जो कोच होता है इनको हमेशा के लिए बास्केटबॉल टीम से बाहर कर देते हैं। ये सब सुनने के बाद जिम को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है और जिम फादर को कहता है कि आप क्या मुझे स्कूल से निकालेंगे, मैं खुद ही इस स्कूल से और इस टीम से निकल जाऊंगा। और वो लोग निकल जाते हैं, पर जिम का एक दोस्त न्यूट्रन वहीं पर रहता है और वो उन लोगों के साथ जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसने ड्रग्स नहीं लिया था, लेकिन जिम और उसके दोनों दोस्त बाहर हो चुके थे। इसके बाद जिम जब घर जाता है तो उसके मॉम उससे पूछती है कि तुम्हें स्कूल से क्यों निकाला गया, जिस पर जिम कहता है कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कोई नशा नहीं किया, दरअसल हमें साजिश करके स्कूल से निकाला गया है। फिर जिम की मॉम उसे नशे की गोलियां दिखाती है जो कि उसने घर पर छुपाया हुआ था। जब वो जिम से पूछती है तो ये क्या है, ये क्या विटामिन की गोलियां है, इस बात पर जिम की मॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जिम को घर से निकाल देती है। जिम भी गुस्से से घर छोड़कर चला जाता है। फिर जिम की मॉम घर की खिड़की से उसके ट्रॉफी को बाहर फेंक देती है जो कि उसने मैच पर जीता हुआ था। तभी जिम अपनी मॉम को ये कहता है कि मैं इस घर में वापस कभी नहीं आऊंगा। फिर जिम उस ट्रॉफी को डस्टबिन में डालकर वहां से चला जाता है। जिम अपने दोनों दोस्त के पास जाता है और इनको एक बार फिर से ड्रग्स लेना है, पर इनके पास पैसा नहीं होता, इसलिए ये रात के वक्त किसी के कार चोरी करते हैं, जिसे बेचकर ये लोग काफी दिनों तक ड्रग्स ले लेते हैं, जो कि इनके लिए अब यही दुनिया थी। उन्हें असल में दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये बस सारा दिन नशा करते रहते हैं और पैसे खत्म हो जाने पर चोरी करते हैं। फिर एक दिन जब ये लोग एक स्टोर पर चोरी करने जाते हैं और वहाँ पर जिम का दोस्त मिकी को एक गन मिलती है जिसके अंदर बुलेट्स नहीं होते, वो उस गन को वहाँ से उठा लेता है। और जिम का दूसरा दोस्त पेड्रो वो पूरे नशे में होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। अब जिम और मिकी पेड्रो को होश में लाने की कोशिश करते हैं, तभी मिकी पेड्रो को कहता है कि पुलिस आ गई है, तुम होश में आ जाओ, पर वो होश में नहीं आता और वो दोनों उसे वहाँ छोड़कर भाग जाते हैं और पुलिस आकर उसे पकड़ लेते हैं। उधर जिम और मिकी एक बार में जाते हैं, वहाँ पर वो लोग टीवी पर खबर को देखते हैं जिसमें इन्हीं के साथ खेलने वाले बच्चे अब ऑल अमेरिकन हाई स्कूल गेम में बास्केटबॉल के लिए सिलेक्ट हो जाती है। ये देखकर जिम और मिकी बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों भी किसी वक्त बास्केटबॉल के चैंपियन हुआ करते थे। अगर ये इस नशे से दूर रहते तो शायद आज ये भी इस प्लेयर के साथ टीवी पर आते। अब जिम अपने मॉम के पास जाता है और वो छुपकर अपने मॉम को देख रहा होता है क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं होती है कि इतनी गलती करने के बाद वो अपनी मॉम का सामना कर सके। पर ये अपने मॉम से मिले बिना ही वापस उसी नशे की दुनिया में जाता है जहाँ पर ये नशा करता था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और वो आदमी जिम को इसीलिए मारता है क्योंकि जिम ने उसके गर्लफ्रेंड को ड्रग्स दिया था, इससे उसकी मौत होने वाली थी, जिसमें जिम उस आदमी से कहता है कि वो इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाए, इसमें मेरी क्या गलती है। फिर वो आदमी जिम को सीढ़ी से नीचे फेंक देता है। अब जिम का दिमाग काम करना बंद कर दिया होता है, उसको अलग अलग तरीके से हेलुसिनेट होना शुरू हो जाता है। कभी उसे लगता है कि वो बास्केटबॉल खेल रहा है जिससे कि नेट पर आग लगी हुई है, लेकिन उसका ये सब एक भ्रम होता है। तभी उसे गोली लग जाती है। इसके बाद वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि जिम को अपने कंधे पर उठाकर अपना घर पर ले जाता है। दरअसल ये आदमी जिम को पहले से ही जानता था। अगली सुबह जब जिम को होश आता है तो वो अपने
पॉकेट में ड्रग्स को ढूंढता है, लेकिन ड्रग्स उसके पॉकेट पर नहीं होती क्योंकि पहले ही उस आदमी ने ड्रग्स को निकाल दिया था। और इस आदमी का नाम रेगी होता है। जिम उसे कहता है कि ये मुझे वापस कर दो, पर रेगी जिम के सामने ही उस ड्रग्स को टॉयलेट में फ्लश कर देता है। ये देखकर जिम अपना आपा खो देता है क्योंकि ये ड्रग्स के बिना नहीं रह सकता, पर रेगी जिम को जैसे तैसे करके संभाल लेता है। अब रेगी जिम को कमरे में बंद करके बाहर आ जाता है। अंदर जिम की तबीयत बहुत खराब हो रही होती है क्योंकि वो किसी भी हालत में नशे से दूर नहीं रह सकता। इसे यहाँ पर घबराहट हो रही होती है, पर रेगी उसे यहाँ से बाहर नहीं जाने देता और वो जिम को कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते जब तक तुम अपने कंट्रोल पर नहीं आते, मगर वो धीरे धीरे करके कंट्रोल पर आ रहा था। अगली सुबह रेगी जिम को कहता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रहना और खुद को कंट्रोल पर करना। जब रेगी काम पर चला जाता है तो वो खुद को कुछ समय तक कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर जैसे समय बीत जाता है जिम की हालत एक बार फिर से खराब होने लगती है। ये खुद को काबू नहीं कर पाता। इसके बाद वो पैसे ढूंढने लगता है पर उसे पैसे कहीं नहीं मिलती, इसीलिए ये कमरे से बाहर निकल जाता है और वो एक लड़की के पास जाता है और उस लड़की का नाम डियाना होता है और ये भी पूरी तरह से ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूट में होती है। जिम डियाना से पैसे मांगता है पर वो नहीं देती। दरअसल एक वक्त ऐसा था जब डियाना ने उसके दोस्त से पैसे मांगी थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और उस वक्त जिम और उसके दोस्त ड्रग्स नहीं लेते थे। तब उस दिन जिम ने डियाना का बहुत मजाक उड़ाया था और आज जिम उसी जगह पर है जहाँ पर कभी डियाना खड़ी थी। अब जिम उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, पर ये सब देखकर डियाना को उस पर दया आ जाती है। फिर वो उसे पैसे दे देती है, मगर डियाना ने उसको पैसे नीचे जमीन पर फेंक कर चली जाती है। जिम को ये देखकर उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम एक प्रोस्टिट्यूट हो, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुकी होती है। इसके बावजूद भी वो उन पैसों को उठा लेता है, लेकिन ये पैसे ड्रग्स खरीदने के लिए काफी नहीं है, इसीलिए उसे एक पब्लिक टॉयलेट में एक बूढ़े आदमी के साथ वो काम करना पड़ता है जो वो कभी भी नहीं करना चाहता था और ये एक तरह का प्रोस्टिट्यूट ही है। लेकिन जिम को किसी भी कीमत पर ड्रग्स चाहिए था और उसे पैसे भी मिल जाते हैं और वो अपनी दोस्त के पास जाता है। फिर ये दोनों मिलकर एक आदमी के पास जाकर ड्रग्स खरीदते हैं। जब ये लोग ड्रग्स को टेस्ट करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये ड्रग्स नकली है। फिर ये दोनों उस आदमी का पीछा करते हैं जिसने उन्हें नकली ड्रग्स दिया था। ये लोग उस आदमी का पीछा करते करते एक बिल्डिंग के छत पर चले जाते हैं। जब मिकी उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है तो उस आदमी का पैर फिसल जाता है जिससे कि वो बिल्डिंग के छत से नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। जिम मिकी को कहता है कि ये तुमने क्या किया, अब हम बहुत दूर आ चुके हैं, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। मिकी वहां से भागने लगता है। जब वो नीचे पहुंचता है तो उसे वहां पर कुछ गैंग के लोग उसे पकड़कर बहुत मारते हैं और पुलिस उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद जिम घर वापस चला जाता है और उसकी मॉम घर के अंदर उसे जाने नहीं देती। जिम अपनी मॉम से पैसे मांगता है और कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो, पर उसकी मॉम उसे पैसे नहीं देती क्योंकि वो जानती थी कि अगर उन्होंने पैसे दिए तो वो नशा करेगा, जो कि जिम की मॉम ऐसा नहीं चाहती थी। और वो जिम को पैसे नहीं देती बल्कि पुलिस को फोन करके यहाँ पर बुला लेती है और वो पुलिस को इसीलिए बुलाती है क्योंकि वो चाहती है कि अगर वो जेल में रहा तो वो नशे को छोड़ देगा। अब जिम को पुलिस पकड़कर वहां से ले जाते हैं और वो अपने मॉम से कहता है कि प्लीज मॉम मुझे बचा ले, मैं सुधर जाऊंगा, जो कि जिम की मॉम जिम की बातों को अनसुना कर देती है। अब जिम ने जितने भी गुनाह किए होते हैं उसके लिए उसे 6 महीने की सजा मिलती है। इन 6 महीने में वो अपनी डायरी जो लिखता था उसे भी पूरा कर लेता है। फिर 6 महीने के बाद वो जेल से रिहा हो जाने के बाद वो एक स्टेज के दरवाजे के बाहर होता है। दरअसल आज उसे यहाँ पर पोएट्री पढ़नी है और यहाँ पर उसका दोस्त पेड्रो, जो सबसे पहले पुलिस ने पकड़ा था, वो उससे मिलने आता है। दरअसल उसे पुलिस ने छोड़ दिया होता है। वो जिम से कहता है कि मेरे पास बहुत अच्छा ड्रग्स है, लेकिन जिम उससे ड्रग्स नहीं लेता क्योंकि जिम पूरी तरह से बदल चुका होता है। जो 6 महीने से जिम ने कोई भी नशा नहीं किया होता है और ना ही जिम वापस उस नशे की दुनिया में जाना चाहता है, इसलिए वो पेड्रो को मना कर देता है और वो उसे कहता है कि मेरे दोस्त अपना ख्याल रखना, इतना कहकर वो स्टेज पर चला जाता है। फिर जिम ने अपने डायरी में जो कुछ भी जेल में लिखा हुआ होता है वो पढ़ के सबको सुनाता है, जो कि उसकी कहानी सुन के सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और सब लोग तालियां बजा रहे होते हैं। और अंत में हमें बताया जाता है कि जिम 17 साल की उम्र में ही और अपनी डायरी को पूरा किया, जिसका नाम द बास्केटबॉल डायरीज, जो कि इस मूवी का नाम भी है, जिसके बाद 22 साल की उम्र में ही इसके डायरी के 3 वॉल्यूम भी पब्लिश हो गए। फिर जिम 2009 तक न्यूयॉर्क में ही रहा, जहां पर पोएट, नॉवेलिस्ट, म्यूजिशियन और एक अच्छा परफॉर्मर बन के रहा। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बाय बाय।